गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों को। मेरी तरफ से, इम्पैक्ट की तरफ से, जय हिंद जय भारत। क्लास में जल्दी है, सब बच्चे आ जाएंगे, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अरे अब क्लास, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमारी कंप्यूटर की 25 क्लासेस हो चुकी हैं, 25 क्लास हो चुकी हैं। कॉन्टिन्यूसली हमारी क्लासेस चल रही हैं, आज 26 क्लास है। कॉन्टिन्यूसली क्लास चलाने का पर्पज़ यह है कि आपका एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, आपका बीच में बेसिक जितना भी है आपका सारा अच्छे से होता रहे। तो बेसिक प्लस में एडवांस हम लोग यहाँ पर एमसीस का वो लेकर के आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी यहाँ पर क्लास चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तमन्ना गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं ना, वो क्लास को एक बार जल्दी शेयर कर दो, ताकि हम लोग आगे आगे हम लोग स्टार्ट करें, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। आर यू रेडी? चलिए तो आज की क्लास के लिए सब बच्चे रेडी है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। अब डेली क्वेश्चंस के जवाब दो ना, बहुत ध्यान से दिया करो। बेसिक लेवल के क्वेश्चन लाने बंद कर दिए मैंने, अब बेसिक लेवल हम लोग पहले क्लासेस में कर चुके हैं। अब जो लेवल हमारे चलेंगे वो लेवल हमारे मॉडरेट टू हाई लेवल चलेंगे। तो क्वेश्चन को केयरफुली जवाब देना सब बच्चे। ए टू द बेस्ट, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग तमन्ना, नितिन। चलिए तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने है स्टूडेंट्स। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में एचएससी में आया था। क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट वाइडली यूज, द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से कौन सा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है, इनमें से कौन सा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपका एचएससी में आ चुका है स्टूडेंट, बहुत खास ध्यान से जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। क्या वो हमारा फ्लैट डाटाबेस है, नेटवर्क डाटाबेस है, रिलेशनल है, हायरार्किकल है, या नन ऑफ दीज है? इनमें से कौन सा डाटाबेस है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे बच्चे, बोल रहे हैं इसका आंसर है सी, सी रिलेशनल डाटाबेस। सीईटी ने बोला सी, हाँ सीईटी नमस्ते। ए टू द बेस्ट ने बोला फर्स्ट, हाँ जी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस क्या होता है क्लास। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। एक्चुअल में क्या होता है डाटाबेस, क्या होता है डाटाबेस? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं डाटाबेस? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। बहुत सारे रिकॉर्ड्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है और एक टेबल की फॉर्म में उसे तैयार किया जाता है, हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास डाटाबेस तैयार हो गया। और उसको हैंडल करने का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि डाटाबेस क्या है, मैंने आपके बैच के बारे में बात की कि इस बैच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उन सबके नाम ले लिए, उनके रोल नंबर ले लिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर ले लिए, उनकी ईमेल आईडी ले ली। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिए, हर बच्चे के रिकॉर्ड ले लिए, उनकी ईमेल, जितनी जानकारी चाहिए थी ना मैंने सारी की सारी ले ली। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट्स के नेम लिए, उनके रोल नंबर लिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिए, उनकी ईमेल आईडी ले ली, उनकी आधार आईडी ले ली। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, हर बच्चे की सारी जानकारी ले ली, हर बच्चे की सारी जानकारी ले ली। तो मैंने हर स्टूडेंट की सारी जानकारी ली है ना, तो मैं क्या कहूंगी, ये मेरे पास एक डाटाबेस बन करके तैयार हो गया, ये मेरे पास एक डाटाबेस बन करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जो इसको मैनेज करने का सिस्टम होता है उसे कहा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इज इट क्लियर? चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर टू, हमारे डाटाबेस वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, हमारे डाटाबेस वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर,
डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं उनके नाम बताइए. फर्स्ट एमएस एक्सेस, सेकेंड ओरेकल, थर्ड मोंगोडीबी, फोर्थ एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल लाइट. तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है. और इन सारे के सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उस लैंग्वेज का नाम है क्लास यहां पर क्या, एसक्यूएल. क्या नाम है उसका, उसका नाम है यहां पर एसक्यूएल. आई बात समझ में. तो डाटाबेस वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये हमारे डाटाबेस वाले सॉफ्टवेयर हैं एमएस एक्सेस, ओरेकल, मोंगोडीबी, एसक्यूएल लाइट. और इनको बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है ना क्लास, उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो आपसे पूछा गया था, सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज होने वाला डाटाबेस कौन सा है, वो है रिलेशनल डाटाबेस. जानते हो क्या होता है रिलेशनल डाटाबेस, जानते हो क्या होता है क्लास, जानो आरडीबीएमएस क्या होता है. आरडीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस का रिलेशन क्रिएट करना. जैसे ये एक टेबल है, ये दूसरी टेबल है, एक टेबल का रिलेशन जब दूसरी टेबल के साथ बनाया जाता है, एक टेबल का रिलेशन जब दूसरी टेबल के साथ, एक टेबल का रिलेशन जब दूसरी टेबल के साथ बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रिलेशनल डाटाबेस. जैसे मान लो मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने मेरे स्टूडेंट्स ले लिए, कौन कौन से हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहां मैंने मेरी एकेडमी या मेरे सेंटर की सारी जानकारी ले ली कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, इनमें से कौन कौन से बच्चे कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने दोनों को आपस में रिलेट कर दिया. तो जब एक टेबल का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के साथ बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है क्लास, उसे कहा जाता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये होगी पहली डेफिनेशन. अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन. जरूरी नहीं है टेबल दो ही हो, टेबल एक ही हो सकती है, एक ही टेबल भी हो सकती है. तो जब एक ही टेबल के अंदर क्या किया जाता है, यहां जैसे मान लो मैंने ले लिए कंप्यूटर के मार्क्स, यहां ले लिए मैंने मान लो मैथ के मार्क्स, ठीक है, और मैंने कहा कंप्यूटर में नंबर लेने वाले 0 से 10 हैं, 10 से 20 हैं, 20 से 30 हैं, और यहां नंबर लेने वाले 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 है. तो मैंने कहा दो अलग अलग टेबल लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि एक ही टेबल के अंदर रिलेशन बनाया जाए. मैंने कहा एक बच्चा है जिसके कंप्यूटर में नंबर आ गए 25 और उस बच्चे के मैथ में नंबर आए 21, वो बच्चा कहाँ आएगा, कहाँ उसे दिखाया जाएगा, कंप्यूटर में 25 नंबर है, 25 नंबर कहाँ आएंगे, 0 से 10 में आएंगे, नहीं आ सकते, 10 से 20 में आएंगे, नहीं आ सकते, 25 तो यहाँ आएंगे, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं. तो मैंने कहा उस बच्चे के मैथ में नंबर कितने हैं, 21 हैं, तो ये मैथ का स्कोर है 21, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, पर दोनों आपस में कहाँ पर जाकर के मिल रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं यहाँ पर. तो जब एक ही टेबल के अंदर क्लास, एक ही टेबल के अंदर रो का रिलेशन जब कॉलम के साथ बनाया जाता है, एक ही टेबल के अंदर रो का रिलेशन जब कॉलम के साथ बनाया जाता है तो उसे भी क्या कहा जाता है, आरडीबीएमएस कहा जाता है, मोस्ट वाइडली यूज, जिसका सबसे ज्यादा आज डीबीएमएस के अंदर यूज किया जाता है. हाँ जी क्लास, बात समझ में आई. तो डीबीएमएस की डेफिनेशन मैंने दो बताई, पहली डेफिनेशन दो अलग अलग टेबल का रिलेशन बनाना, दूसरी डेफिनेशन एक टेबल का रिलेशन एक ही टॉपिक के अंदर जब एक रो का रिलेशन कॉलम के साथ बनाया जाता है. डेफिनेशन लिख लेना, डेफिनेशन लिखिएगा, एक ही टेबल में एक सिंगल टॉपिक पर रो का रिलेशन कॉलम के साथ बनाना ही क्या कहलाता है, आर डीबीएमएस कहलाता है. तो यूं समझ लो कि एक डीबीएमएस का क्वेश्चन क्या आया, हम लोगों ने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया यहां पर, क्या सब बच्चों को डीबीएमएस की दोनों डेफिनेशन क्लियर है, यस और नो, क्लास को जल्दी से शेयर करते रहेंगे स्टूडेंट्स.
क्लास को जल्दी शेयर करते रहेंगे, बताएंगे कि यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज सी, सी इज द राइट आंसर, रिलेशनल डाटाबेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिबूट वेयर द पावर टू द सिस्टम इज फिजिकली टर्न ऑफ। जब पावर बिल्कुल बंद कर दी जाती है, जब पावर बिल्कुल बंद कर दी जाती है और उसके बाद एंड बैक ऑन अगेन कोज एन इनिशियल बूट ऑफ मशीन, और फिर कंप्यूटर में स्टार्टिंग से जो दोबारा बूटिंग होती है, जब कंप्यूटर को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और कंप्यूटर में दोबारा से स्टार्टिंग से बूटिंग होती है, उस बूटिंग को क्या कहा जाता है क्लास? क्या उसे टॉगल बोला जाता है, क्या वार्म बूटिंग कहा जाता है, कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, या फिर लॉगिंग ऑफ कहा जाता है क्लास? हरी अब रिप्लाई करेंगे। जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, कंप्यूटर को बिल्कुल बंद कर दिया और उसे दोबारा से इनिशियल बूट किया जाता है, दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है, तो उस समय पर जो बूटिंग होती है उसे क्या कहा जाता है क्लास? यस, बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पर। ए टू द बेस्ट ने कहा कोल्ड बूटिंग, अंकित ने कहा कोल्ड बूटिंग, सीटी ने कहा यस मैम। क्या मतलब, कौन सा आंसर दिया? आंसर तो आया नहीं यहाँ पर, बी। तमन्ना ने कहा बी। तो यहाँ पर सही आंसर जो है, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे भाई, जितने बच्चे क्लास में कनेक्टेड है सब रिप्लाई करो, बहुत ही यूजफुल कंटेंट है, क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को। सीटी ने कहा वार्म बूटिंग, सी, और बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर कोल्ड बूटिंग। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बूटिंग के बारे में कंसेप्ट बता दूं क्लास। हमारी जो बूटिंग होती है ना, वो होती है हमारी स्टार्टअप प्रोसेस। बूटिंग होती है स्टार्टअप प्रोसेस, कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस समय पर जो प्रोसेस होती है ना, उसे कहते हैं बूटिंग। दो प्रकार की होती है बूटिंग हमारी, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, पहली होती है कॉल बूटिंग और दूसरी होती है क्लास वार्म बूटिंग। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कॉल बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कॉल बूटिंग क्या है? मेरा कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा है, ऑफ है, शट डाउन है, उसे हम पहली बार ऑन कर रहे हैं, उस समय पर जो बूटिंग होएगी उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड बूटिंग कहेंगे। और जब कोई दिक्कत आ जाती है तो हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट से जब कंप्यूटर ऑन होता है उस समय पर जो बूटिंग होती है, रीस्टार्ट से जब कंप्यूटर ऑन होता है उस समय पर जो बूटिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर को दोबारा से बूट किया जाता है, जिसे यहाँ पर रीबूट कहा जाता है। रीबूट कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर में दोबारा से बूटिंग होती है, रीस्टार्ट कह लो, रीबूट कह लो, कह सकते हो। तो कॉल बूटिंग, कंप्यूटर बिल्कुल बंद है, पहली बार ऑन कर रहे हो, कॉल बूटिंग। जब रीस्टार्ट करते हो कंप्यूटर में दोबारा से बूटिंग होती है तो उसे कहा जाता है यहाँ पर वार्म बूटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट ही पूछी जाती है, बताओ किसी को पता है तो? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कोल्ड एंड वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में डिलीट, तो ये होती है हमारे पास यहाँ पर क्या? ये होती है हमारे पास यहाँ पर शट डाउन और रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो है यहाँ पर कॉल बूटिंग, बी इज द राइट आंसर। इनिशियल बूट आ गया, पहली बार बूटिंग हो रही है, पहली बार चालू हो रहा है, और वो टर्न ऑफ होने के बाद कंप्यूटर बिल्कुल बंद हो चुका है, उसके बाद ऑन हो रहा है, तो कौन सी बूटिंग होगी? इस समय पर यहाँ पर कॉल बूटिंग होगी क्लास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो सब बच्चों का इसका आंसर आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्लास में आया, लगभग यूं मान के चलो हर एक क्लास में ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ बार बार मैं, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन रट जाए अच्छे से, और मुझे पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। चलिए क्लास, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। टू प्रोटेक्ट यूअर सिस्टम, अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, सिस्टम किससे प्रोटेक्शन? कंप्यूटर हैकर से। अगर कंप्यूटर हैकर से आप लोग अपने कंप्यूटर को बचाना चाहते हो, यू मस्ट टर्न, तो
तो आपको आपके कंप्यूटर में क्या ऑन करना पड़ेगा? यस, सीटी ने बोला फायरवॉल, तमन्ना ने बोला फायरवॉल, ए टू द बेस्ट ने कहा फायरवॉल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, यस राइट, ई इज द राइट आंसर। सब बच्चों ने सही जवाब दिया, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं फायरवॉल क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल एक आग की दीवार होती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल क्या होती है, एक आग की दीवार होती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल क्या होती है, एक आग की दीवार होती है। यह आग की दीवार क्या करती है, यह आग की दीवार क्या काम करती है, कोई भी हैकर हमारे कंप्यूटर के अंदर ना जा पाए और वो अंदर की जानकारी बाहर ना लेकर आए, तो कंप्यूटर के अंदर वायरस नहीं जाना चाहिए, अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने चाहिए, बाहर की जानकारी अंदर नहीं जानी चाहिए, है ना, वायरस अंदर ना जाए और बाहर अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। ठीक है, दो बार नहीं हुई, चेक करो, कॉल बुटिंग पहली बार ही हुई है। अभी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, सीटी देखो, तो यहां पर क्या हुआ, कंप्यूटर के अंदर आग की दीवार है, जिसने क्या किया, हैकर से कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, तो यहां पर कंप्यूटर से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आग की दीवार काम करती है, फायरवॉल काम करती है, जो कंप्यूटर में क्या करती है, डाटा को फिल्टर करती है, फिल्टरिंग करती है, जो क्या करती है, यहां पर मॉनिटरिंग करती है, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब निगरानी, फिल्टर मतलब छटनी करना, तो यहां पर सही आंसर आएगा आपका, वो आएगा यहां पर फायरवॉल। अब एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, इसने कहां बोला है सेकंड टाइम बूटिंग हो रही है, इसने कुछ बोला है कि हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है, रीस्टार्ट में पता है क्यों करते हैं रीस्टार्ट, और कॉल बूटिंग शटडाउन कब करते हैं, मेरे कंप्यूटर में दिक्कत आ गई, मैं या तो क्या करूंगी, पूरा शटडाउन करूंगी, अगर कंप्यूटर के कुछ एक पार्ट्स में दिक्कत आती है ना, हम लोग उसको रीस्टार्ट करते हैं कि जिस पार्ट में दिक्कत आई है उस पार्ट को अगेन चेक किया जाए, क्या उस पार्ट में कहां दिक्कत है, और वो पार्ट दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। बट इसने कहां बोला है यहां पर रीस्टार्ट करने के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिबूट वेयर द पावर टू द सिस्टम इज फिजिकली टर्न ऑफ, पावर ऑफ कर दी गई, पढ़ो इसको ध्यान से, पावर को ऑफ कर दिया गया, पावर को ऑफ कर दिया गया, एंड बैक और अगेन, और से दोबारा से इनिशियल बूट करवाया गया, पहली बार जब पावर को ऑफ करके बूटिंग करवाई जाती है तो उस टाइम पर कॉल बूटिंग होती है। हाँ, ऑफ होने के बाद जब भी स्टार्ट होगा ना कंप्यूटर, ध्यान रखना सीटी, कॉल बूटिंग होगा, और रीस्टार्ट में क्या होता है, जो पार्ट्स ठीक होते हैं ना उनको चेक नहीं किया जाता, जिन पार्ट्स में दिक्कत आती है ना उसको चेक किया जाता है, इसीलिए उसको रीस्टार्ट बोला जाता है। आई बात समझ में, अगर वो रीस्टार्ट करता तो मेंशन करता कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया गया, बट रीस्टार्ट नहीं बोला, इसने क्या बोला, पावर को फिजिकली ऑफ कर दिया और इनिशियल स्टार्ट किया, इनिशियल स्टार्ट किया, तो आपके हिसाब से यहां पर शटडाउन के लिए क्या लिखेगा वो, तभी तो यही वर्डिंग हुई ना, तो यहां आंसर आपका कॉल बूटिंग आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो फायरवॉल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वह बिंदु जिस पर एक डॉक्यूमेंट में पाठ का प्रवाह एक नए पेज के शीर्ष पर जाता है, पढ़ लो ध्यान से, द पॉइंट एट विच द फ्लो ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव द टॉप ऑफ न्यू पेज, अगर आप नए पेज के, मान लो ये पहला पेज था ये दूसरा पेज है, आप नए पेज के टॉप पर जाना चाहते हो, यहां पर नया पेज लेना चाहते हो, तो नया पेज लेने के लिए क्या करोगे, हरी अप क्लास, नया पेज लेने के लिए क्या करोगे, अगर आप एक पेज पे काम कर रहे हो और आपको यहां पर नया पेज लेना है तो नए पेज लेने के लिए क्या करेंगे, नया पेज लेने के लिए क्या करोगे, क्या पेज इंसर्ट करोगे, पेज ब्रेक करोगे, पेज का फॉर्मेट करोगे, या ऑल द अबव करोगे, हरी अप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, सीटी ने बोला बी शायद, है ना, अच्छा और कोई बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, और कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देगा, तमन्ना ने कहा ए, ए टू द बेस्ट ने बोला ए, रवि ने कहा डी, उपरोक्त सभी इतना कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। देखो मैं यहां पर काम कर रही हूं, मेरे सामने बहुत सारे पेजेस हैं, पेज नंबर वन, पेज नंबर टू,
पेज नंबर 3, और यहाँ से अगर मैं पेज नंबर 4 पर जाना चाहती हूँ तो एक नया पेज अगर इंसर्ट करना हो, आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, पेज इंसर्ट करना है, या आपको मिल जाए पेज ब्रेक करना है, तो उसके लिए एक कमांड होती है पेज ब्रेक के नाम से। हम लोग हमारी भाषा में बोल देते हैं कि नया पेज इंसर्ट हो रहा है, हम लोग हमारी भाषा में बोल देते हैं कि पेज का ब्रेक हो रहा है, पर यूज क्या किया जाता है वहां पर, वहां पर एक पेज ब्रेक नाम की कमांड होती है जिसको यूज किया जाता है, इंसर्ट के नाम से कोई कमांड नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन पेज ब्रेक के नाम से मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस एंटर की। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर करोगे वहां पर पेज का ब्रेक हो जाएगा और आपके सामने एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा और आप नए पेज के टॉप पे पहुंच जाओगे। उसके लिए पेज ब्रेक नाम की कमांड का यूज किया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन कितने कंफ्यूज करने वाले हैं, ऐसी कंफ्यूजन आपके एग्जाम में आती है, तो अब इसे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम ने कितना मर्जी घुमाए, हम लोगों ने तो अपनी क्लैरिटी के साथ काम करके आना है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करके आना। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा बी ऑप्शन, पेज ब्रेक, पेज का ब्रेक करना यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, डैश आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्स देयर आइडेंटिटी। कोई व्यक्ति अपनी पहचान को गलत बता करके, उसने मेरे सामने अपनी पहचान गलत बताई और मुझे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, मुझे अपनी बातों में ले लिया और मुझसे क्या किया, मेरी इंफॉर्मेशन की चोरी कर ली, उसे क्या कहा जाता है क्लास? क्या उसे यहाँ पर आप फिशिंग कहते हैं, कंप्यूटर वायरस कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं, वायरस कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं? हरी अप क्लास, ये क्वेश्चन कल भी आया था पर आज थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है ना। 5th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा, 5th क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने बोला, सीईटी ने कहा फिशिंग, यस। और कोई बच्चा जवाब देगा इस क्वेश्चन का? अरे अब क्लास, कोई और बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? मान लो मैंने कहा कि मैं ना बैंक से बोल रही हूँ, और मैं SBI बैंक से बोल रही हूँ, मैं PNB बैंक से बोल रही हूँ, मेरे यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो चुके हैं, तो आपको बैंक में आने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपके डॉक्यूमेंट को हमारे बैंक से अटैच कर दिया जाएगा। इसका मतलब मैंने अपनी पहचान छिपाई, मैंने अपनी पहचान को गलत बताया, मैं कोई बैंक से नहीं बोल रही, मुझे पता ही नहीं बैंक में काम करना क्या होता है, मैं कोई बैंकर थोड़ी ना हूं यहाँ पर, है ना। ठीक है, अपनी पहचान को गलत बता करके, अपनी पहचान को गलत बता करके आपको कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं SBI बैंक से बोल रही हूं, तो आपको कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया गया, आपको कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया गया और आपसे आपकी जानकारी चोरी की जा रही है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, फिशिंग। जैसे अभी हमारे बीच में एक फिशिंग आ गया ना, कौन सा, कौन आया फिशिंग हमारे बीच में अभी, वेरियर फिजिकल अकेडमी के नाम से, ये भी तो क्या है, फिशिंग है, ये अपनी पहचान को छुपा रहा है और आपको कॉन्फिडेंस में ले रहा है और आपको अपने जाल में फंसा रहा है ना, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, फिशिंग हो गया। अरे तमन्ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो ये उनमें से एक होते हैं बच्चे, तो आपको इनके मैसेजेस पे ना ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। ये फिजिकल अकेडमी जो यहाँ पर आपको शो रही है ना, ये जस्ट एक क्या है, फिशिंग है, ठीक है। देखो हमारे क्वेश्चन का कितना अच्छा जवाब मिल गया हमें, है ना, ये यहाँ पर फिशिंग है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, तो ये होते हैं यहाँ पर फिशिंग। अच्छा, फिशिंग दो प्रकार के होते हैं, फिशिंग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं यहाँ पर विशिंग और एक होते हैं स्मिशिंग। ऐसा मैंने आपको पहले बताया था, विशिंग आवाज के जरिए बोल करके आपको फंसाया जाता है, और जो स्मिशिंग होता है SMS करके। अभी इस बंदे ने SMS किया ना, तो ये स्मिशिंग है। आई बात समझ में? बिल्कुल एट द बेस्ट, सही बोला, सही बोला, है ना, सही बोला। तो ये हो गया हमारे पास क्या, विशिंग
और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर समिशिंग। तो इसे क्या कहते हैं क्लास, इसे बोलते हैं यहाँ पर फिशिंग। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए पढ़ो इस क्वेश्चन का जवाब दो। हरी अप क्लास। किसी दस्तावेज से टेक्स्ट या ग्राफिक को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट या ग्राफिक को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है और फिर जानकारी को क्लिपबोर्ड पर इकट्ठा किया जाता है ताकि आप इसे बाद में पेस्ट कर सकें। अरे क्लास बताओ इसका आंसर क्या आएगा? विच इज द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को रिमूव करना है, आपको डॉक्यूमेंट से कोई ग्राफिक रिमूव करनी है, ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर ऑन ए क्लिपबोर्ड, उसे क्लिपबोर्ड में रखना है। तो अगर उसे आप पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? पेस्ट तो बाद में करते हैं पर उसे पहले क्या करोगे? हरी अप क्लास, उसे पहले उसे क्या किया जाएगा जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या उसे कट करेंगे, क्लिप करेंगे, चॉप करेंगे, चंक करेंगे, च्यू करेंगे? सबसे अच्छी बात क्या है, ऐसे ऑप्शन ही नहीं होते कंप्यूटर के अंदर, ये चारों ऑप्शन ही नहीं होते, चारों तो वैसे ही कट गए, है ना, ये चारों ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहां पर कट, कट इज द राइट आंसर। तो जब भी हम किसी जानकारी को, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में क्लिपबोर्ड होता है ना, तो क्लिपबोर्ड में क्या जाता है क्लास, यदि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कट या कॉपी करते हैं और वो जानकारी जिस वर्क एरिया में स्टोर होती है, यहां पर क्लिपबोर्ड ओपन होता है, उस वर्क एरिया का नाम होता है क्लास यहां पर क्या, क्लिपबोर्ड। फिर सुनेंगे ध्यान से, एमएस वर्ड कमांड होती है ये। जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कट या कॉपी करते हैं तो कट और कॉपी किया गया कंटेंट हमारा जहां पर जाकर के स्टोर होता है, वो जो एक वर्क एरिया बना होता है, उस वर्क एरिया को बोला जाता है यहां पर क्या, उसे यहां पर क्लिपबोर्ड के नाम से जाना जाता है क्लास, उसे यहां पर क्लिपबोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी शॉर्टकट भी पूछ सकते हैं आपसे, इसकी शॉर्टकट की पूछ सकते हैं आपसे, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस सी। देखो सी कैसे याद करोगे, कट का सी, कॉपी का सी, जोड़ दो कंट्रोल, बन गई शॉर्टकट की। कितना आसान काम हो गया हमारे पास, है ना। तो कट का भी सी ले लो, कॉपी का भी सी ले लो, और एक कंट्रोल तो आपको जोड़ना है, क्योंकि पता है कंट्रोल कभी अकेले काम करता नहीं है, वो कॉम्बिनेशनल की होती है। तो कंट्रोल के साथ अगर आप दो बार सी को प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास शॉर्टकट की हो जाएगी, किसकी, क्लिपबोर्ड को ओपन करने की। चलते हैं क्लास अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 ही आपके सामने, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चनों का लेवल इतना ईजी भी नहीं है कि आप लोग देखते हो जवाब दे दो, कुछ सेकंड लिया करो, सोच के फिर बताया करो, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में आप लोगों को मेरे स्कोर बता के जाना है कि आपके 15 में से क्या स्कोर है, ठीक है ना क्लास। हाँ चलिए, विच द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, इनमें से आपको ढूंढना है कि ग्राफिकल फाइल की एक्सटेंशन क्या है क्लास, ग्राफिकल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, ग्राफिकल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है क्लास। ट्रिक में शिफ्ट का यूज करते हैं, अच्छा जी, सीटी में कंट्रोल की बताओ आपको, देखो कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एंटर,
कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, मैंने तो बहुत सारी की कंट्रोल के साथ सुनी हुई है। हो सकता है कि आपने दो चार शिफ्ट की सुन ली हो, पर ज्यादा मोस्टली यूज कंट्रोल का ही होता है। ठीक है, चलिए सुनो, इनमें से आपको ग्राफिक फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है वो बतानी है क्लास। अरे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, क्लास सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे भाई, स्पीड खींचो, 15 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे वरना आज, अभी तो आधी फाइल हुई है हमारी, आधी पीडीएफ हुई है, जल्दी करो। इनमें से आपको बताना है ग्राफिक फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, टीसीएफ नहीं होती, टीसीपी द प्रोटोकॉल है, ये ऑप्शन भी कट गया आपका, एडीपी क्या है कुछ भी नहीं है, पीपीटी क्या है कुछ भी नहीं है, पीपीटी प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है ना, सीपीएक्स भी नहीं है, तो राइट आंसर जो आएगा आपका डेट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। शिफ्ट का यूज कहां करते हैं, करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कहा मुझे एमएस एक्सेल के अंदर, मुझे एमएस एक्सेल के अंदर नई वर्कशीट लेनी है, नई वर्कशीट लेनी है, तो शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एफ 11 करते हैं ना, यहां पर है ना। शिफ्ट प्लस में एफ 11, ठीक है, तो यहां शिफ्ट का यूज होता है बच्चे, यहां शिफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, इनकी फुल फॉर्म लिख लो भाई, ग्राफिक्स फाइल की जो एक्सटेंशन है ना, इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे जल्दी से, फर्स्ट जेपीजी, सेकेंड जीआईएफ, थर्ड बीएमपी। ठीक है, चलिए सबसे पहले सोनू बहुत दिनों बाद क्लास में आया हूं आज, क्या बात। जेपीजी का पूरा नाम, वैसे इसका पूरा नाम पता है क्या होता है, जेपीजी होता है, शॉर्ट फॉर्म में जेपीजी फाइल बोल देते हैं इसे, और जेपीजी का पूरा नाम ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, नाम से ही पता लग रहा है पिक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, तो ग्राफिकल फाइल तो वैसे ही होगी है ना। चलिए जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल, वेरी गुड सीईटी, बहुत बढ़िया। मैं जब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ हैं तो देखो हमारी क्लास कैसे दौड़ रही है, भाग रही है ना, कितना अच्छे से बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है ना। वरना कोई बच्चे क्या होता है, सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, तो उनकी बातों पर ज्यादा गौर मत किया करो, वो क्या है, फिशिंग है, वो क्या है, आपको कॉन्फिडेंस में लेकर ध्यान भटकाने के लिए आते हैं, आते रहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना होता उन्होंने, केवल ध्यान भटकाने के लिए आते हैं, तो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लास पे रहेंगे। चलिए बीएमपी क्या होता है, बिट मैप इमेज, बिट मैप इमेज, ठीक है, बीएमपी क्या होता है क्लास, बिट मैप। अच्छा बीएमपी कहां देखा है, जो हमारी एमएस पेंट की एक्सटेंशन होती है ना, पेंट की एक्सटेंशन होती है क्लास, उसे बोला जाता है बीएमपी बिट मैप इमेज। तो स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास में कनेक्टेड है, फटाफट क्लास को शेयर कर दो और शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ते रहे, और ऐसे ऐसे फिशिंग जो अभी हमारी क्लास में आया था ना एक, वो ऐसे ऐसे आते रहे है ना। सीटी थैंक यू सो मच। चलिए तो बीएमपी क्या है बच्चे, बीएमपी स्टैंड फॉर बिट मैप इमेज, एमएस पेंट की जो पिक्चर होती है ना, एक्सटेंशन होती है, उसे वहां पर बीएमपी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्लास चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, हाँ सही बताया सीईटी आपने। चलिए 8th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस टेक्निक का प्रयोग उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, मतलब जो हमारी ओएमआर शीट होती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ओएमआर शीट के बारे में कह रहे कि पुस्तिकाओं आंसर शीट की जांच के लिए, चेक करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है क्लास, MICR, OMR, OCR, बारकोड। अब जानो MICR का इस्तेमाल होता है चेक के ऊपर, जो हमारे बैंक के चेक होते हैं ना, उनके कॉर्नर पर एक कोड लिखा जाता है,
उस कोड को लिखने के लिए जो इंक होती है वो मैग्नेटिक होती है, तो उसके लिए वहां पर MICR का यूज होता है। परंतु जो OMR होती है ना, वो जो हमारी OMR शीट होती है, यहाँ तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपका नाम बताओ, आपका फादर नेम बताओ, वो इंस्ट्रक्शंस होती है करेक्टर की फॉर्म में, उसके लिए OCR होता है। पर नीचे जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना क्लास, इन ऑप्शंस में जो सा ऑप्शन सही होता है हम क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं। हम क्या करते हैं, उसे मार्क करते हैं। तो मार्क किए गए ऑप्शंस को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है ना क्लास, उस डिवाइस का नाम है यहाँ पर क्या, OMR। आई बात समझ में क्लास, हरी अब क्लास बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा OMR, OCR करेक्टर्स को रीड करने के लिए। बार कोड कहाँ होते हैं, हमारे जो कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन प्रोडक्ट के ऊपर वर्टिकल लाइन होती है, उन वर्टिकल लाइन को ही बोलते हैं बार। उनके कोड को रीड करने के लिए BCR का यूज किया जाता है क्लास। आई बात समझ में, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 ही आपके सामने, 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा माउस, माउस के बारे में पूछ रहे हैं, फोकस करना। ग्रेनाइट काउंटर टॉप से लेकर किसी भी स्तर पर काम करता है, किसी भी सरफेस एरिया पे जो माउस काम करता है ना, उस माउस को क्या कहा जाता है क्लास। अरे अब क्लास बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एक ऐसे माउस जो किसी भी कारपेट पे वर्क करते हैं, ऐसे माउस जो किसी भी कारपेट पे वर्क करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा ऐसे माउस होते हैं मेरे हाथ पे चलाऊंगे ना तो भी चल जाते हैं, वो माउस कौन से होते हैं क्लास। बच्चों ने बोला सी। अच्छा, और कोई स्टूडेंट इसका आंसर देगा। CET ने कहा सी बी, सॉरी CET ने कहा बी। 9th क्वेश्चन का आंसर, 9th क्वेश्चन का आंसर ब्रेव ने बोला ऑप्टिकल माउस, मतलब जनता ऑप्टिकल पे जा रही है, क्या करे जनता, लॉक कर दे। देखते हैं इस जनता में किसका आंसर सही है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने दिया है बी, वो बच्चे गलत हैं। ऑप्टिकल माउस जो होते हैं ना हमारे, ऑप्टिकल जो माउस होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल माउस जो लेजर बीम वाले होते हैं उसी को बोलते हैं। तो लेजर और ऑप्टिकल एक तरह से एक ही हो गया, सी भी आंसर गलत है। पर कुछ माउस ऐसे होते हैं जो किसी भी सरफेस पे वर्क करते हैं ना, यहाँ भी काम करेंगे, उनके अंदर से नीले रंग की लाइट निकलती है, ब्लू कलर की, और उन माउस को क्या बोलते हैं क्लास, ब्लू ट्रैक माउस। कभी शक्ल देख लेना इसकी, गूगल में जाना सर्च करना, शक्ल देखना। ब्लू कलर की लाइटिंग वाले माउस होते हैं जो किसी भी सरफेस पे वर्क करते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लू ट्रैक माउस। सबसे पहले कौन से माउस आए थे हमारे, सबसे पहले कौन से माउस आए थे, ट्रैक बॉल माउस आए थे। अच्छा, उससे पहले भी कौन से आए थे जानते हो, लकड़ी के माउस आए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, लकड़ी के माउस। फिर उसके बाद हमारे कौन से आ गए, ट्रैक बॉल वाले माउस आ गए, फेल हो गए। फिर उसके बाद कौन से माउस आ गए, ऑप्टिकल बहुत चले हैं, बहुत ज्यादा चले। फिर आगे हमारे पास ब्लू ट्रैक माउस, ये भी अच्छे चल रहे हैं जो किसी भी सर्फेस पे वर्क करते हैं। सो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, चलिए। तो ऐसे से क्वेश्चन तो जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि कंप्यूटर क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, हम 200-400 क्वेश्चन रट लेंगे और हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आजकल एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया गया है, एग्जाम के लेवल में वो रिपीटेड घिसे बैठे क्वेश्चन नहीं आते, क्रीमी क्वेश्चन आते हैं, क्रीमी कंटेंट आता है। तो जो बच्चा क्रीमी कंटेंट पे फोकस करेगा ना, वही बच्चा ही क्या करेगा, सिलेक्शन ले पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थी आपके सामने। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का यूज चयनित वेबसाइट तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। मान लो मैंने कोई वेबसाइट ऐसी सिलेक्ट कर दी और उनके ऊपर कोई पाबंद लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उन रिस्ट्रिक्शंस के लिए यूज क्या करते हो, वहां पर यूज किया जाता है फिल्टर। देखो कहीं पर फिल्टर लगा दो, मान लो मैंने कहा यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे और यहाँ पर ना मैंने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर में मैंने क्या लगा दिया कि यहाँ कोई भी नंबर 10,000 से ऊपर नहीं ले सकते, तो अगर मैं यहाँ पर 11,000 डालना चाहूंगी तो वो आपको रिस्ट्रिक्शन करेगा, मना करेगा कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्लास, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है फिल्टर, फिल्टर किया जाता है, छाटा जाता है, छटनी की जाती है, कौन कौन सी चीजें काम की है और कौन सी चीजें काम की नहीं है, तो वो क्या कहलाता है क्लास, यहाँ पर फिल्टर कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने है।
इलेवेंथ क्वेश्चन क्लास आपके सामने है, इलेवेंथ क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। मूविंग अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी डन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। अगर आपको एमएस वर्ड में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो क्या करोगे, हरी अप क्या करोगे, सिर्फ सिलेक्ट करे कॉपी करके छोड़ दोगे, वो बेचारा वहीं पड़ा रह जाएगा। क्या आप सिलेक्ट ऑल करे कट कर दोगे, वो वहां से कट हो जाएगा, वो तो पहुंचा ही नहीं दूसरी जगह पे। पर अगर आप सिलेक्ट करे कट करके पेस्ट करोगे तो आपको क्या कर सकते हो कि आप काम को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो। तो इलेवंथ क्वेश्चन आंसर इज सी। यस क्लास, मजा आ रहा है ना क्वेश्चनों को देख करके। 15 क्वेश्चन करने पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एनर्जी आ जाती है कि अगले दिन जब हम 15 क्वेश्चन का जवाब देंगे ना, तो अगर आज हमारे 3-4 क्वेश्चन गलत हुए तो कल तो 2 ही गलत होंगे। फिर अगले दिन हम सोच चलते कि 1 क्वेश्चन गलत होगा। अब मैं ये मान के चलूंगी इतनी सारी क्लास के अंदर जिन बच्चों ने रेगुलर सारी क्लास लगाई है ना, तो मेरे उन स्टूडेंट से तो मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों को के आगे आने वाले सारे क्वेश्चन सही होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, 12 क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वर्ड के एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, बता दो। मैं नहीं बता रही, बताओ मैं नहीं बता रही इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, क्लास को शेयर करना आपका काम है, बहुत जल्दी शेयर करते रहो। बताओ एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या है। डीओसी, डीओसी इज द राइट आंसर। डब्ल्यूआरडी किसी की नहीं होती, एफआईएल किसी की नहीं होती, टीएक्सटी होती है। टीएक्सटी किसकी होती है, नॉट पैड की, नॉट पैड की एक्सटेंशन टीएक्सटी होती है। और वर्ड पैड की एक्सटेंशन आरटीएफ होती है। और एमएस वर्ड की क्लास एक्सटेंशन डीओसीसी होती है, डीओसी। आई बात समझ में, वेरी गुड भाई। जितने भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, मुझे उम्मीद थी कि फर्ड क्वेश्चन का जवाब आएगा मेरे पास। सी टी ने कहा सी, ए टू द बेस्ट ने कहा सी, तमन्ना ने कहा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 13 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम, कौन से नंबर सिस्टम में इज कंसीडर एज बेस 10, बेस 10 नंबर सिस्टम लिया जाता है। तो बेस 10 सिस्टम किस पे लिया जाता है, डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल में। देखो बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, और ऑक्टल का बेस होता है, सॉरी डेसिमल था ना, डेसिमल का बेस होता है 10। ठीक है, इसने 10 के बारे में ही पूछा था क्लास। तो 13th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर फर्स्ट आंसर, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बात, ए टू द बेस्ट क्या पूछा है इसने, बेस 10 किस नंबर सिस्टम का होता है, इस क्वेश्चन का जो आप भी गलत हो गए क्या। अच्छा जी, रिप्लाई पहले कर देते हो, बट मैम के पास पहुंचने में समय लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने क्लास। किस प्रकार की वेब टेक्निक, एक ऑनलाइन ग्रुप होती है जहां लोग बयान दे सकते हैं, अन्य लोग उन बयानों को पढ़ सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं, बता दो भाई क्या होता है वो, उसे क्या कहते हैं। भाई किसी पर्सन ने अपने बारे में बता दिया या कोई लाइन लिख दी, दूसरे लोग उसको पढ़ पा रहे हैं कॉमनली और उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, बताओ उसे क्या बोलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले पहले इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया सीईटी ने और वो भी सही जवाब दिया, उसे बोला जाता है यहाँ पर ब्लॉग। ब्लॉग्स होते हैं ना, ब्लॉग में क्या करते हैं लोग, अपने कमेंट देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने कुछ मन की इच्छा होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे लोग उसको पढ़ के उस पर कमेंट ही पास करते हैं, तो उसे बोला जाता है यहाँ पर ब्लॉग। ठीक है, चलिए तो ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इसके बाद आप लोगों ने स्कोर बता के जाना है मुझे कि आज के 15 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों ने सही दिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिम, सिम के बारे में बात की जा रही है कि सिम का पूरा नाम क्या है क्लास।
सिम का पूरा नाम, स्टेशन आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। बताओ क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? फिर से सही जवाब दिया, सबसे पहले ए टू द बेस्ट ने जवाब दिया सी, सीईटी ने सी, तमन्ना ने सी, तो यस राइट आंसर है इसका सी। सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अच्छा जानते हो एक सिम और भी होता है कंप्यूटर के अंदर, मैं बता देती हूँ। एक तो एस आई एम होता है, आप लोग इतने में स्कोर लिख के भेजो मुझे, इतने में इसकी फुल फॉर्म लिख दूं। एक एस आई डबल एम भी होता है, ठीक है। तो सिम जो है ना, इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और ये जो सिम है ना, इसका पूरा नाम है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका तो आंसर फर्स्ट है सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बट यहां पर एक सिम और आ जाए तो उसका पूरा नाम होगा सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो देखते हैं आज का स्कोर क्या गया। तमन्ना के 15 में से 13 राइट आंसर है, और किसी बच्चे के सही नहीं है क्या? टीटी, ए टू द बेस्ट, हाँ जी ब्रेव, सोनू, बताओ भी सबके आंसर क्या आए हैं। सीटी 15 में से 12, वेरी गुड सीटी, बहुत बढ़िया, अच्छी परफॉर्मेंस है। चलिए तो ये क्लास आज की हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम पर हमारी क्लास होगी जैसे आज थी। 5:15 में क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो सब बच्चे कनेक्टेड रहा करो, टाइम से 5 मिनट पहले ही आके बैठ जाया करो, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, सभी को जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके बाय स्टूडेंट्स।